सुबह के 8 बजे हैं और देखो धुंध कितनी है। ये पता नहीं ये धुआँ है या धुंध है, समझ में नहीं आ रहा है। ये 4-5 दिन से हो रहा है, जो पीछे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यार जो बिल्डिंग थी ना आरके वाली, वो थी, कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर मैंने गोहे का मोटा आटा लिया है और इसमें मैंने घी डाला है 2 चम्मच जितना मोइन के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लापसी, तो थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पर और थोड़ा सा गुड़ भी, तो इसको पिघलने देंगे। और लापसी का भोग लगाने वाली हूँ माँ को आज। और यहाँ पर मैं लापसी बना रही हूँ माँ को भोग लगाने के लिए। और महीने में एक बार मैं माँ को लापसी का भोग लगाती हूँ। और आज से नहीं, पहले से, मेरी शादी हुई ना तब से ही मैंने, एक महीना भी ऐसा नहीं गया है मैंने लापसी का भोग नहीं लगाया होगा। बीच में छूट गया था 1 साल के लिए, वेट छोटा था ना इसलिए, तो वो कंटिन्यू ही करती हूँ मैं। तो लापसी बनाकर मैं माँ को भोग लगा लेती हूँ पहले। और मेरी लापसी पक रही है, तब तक वेलकम कर देती हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल, आप सबके इसे ज़रूर से बताया कीजिएगा कमेंट करके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लापसी मैंने बना दी है तो भोग लगा लेती हूँ माँ को। पर दिखाती हूँ मैं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये वाला मेरा टॉप है ना, ये नया ही है, मैंने बहुत पहना नहीं है। पर इसका जो बटन है ना, उसका कपड़ा निकल गया है, तो इसको मुझे ठीक करना है। और ये कपड़े मुझे प्रेस में देने जाने होंगे। और मुझे रिमोट कवर मैंने जो बनाया था ना, उसका कपड़ा लाइट था, तो ये बहुत ही गंदा हो रहा है। वेद के हाथ गंदे होते हैं ना, और टीवी देखते समय कुछ खाता रहता है, तो ये पूरा ख़राब हो गया है। अब इसको मुझे फिर से बनाना होगा। और अब मैं ब्लैक में जीन्स में बनाऊंगी। और मुझे एक पर्स भी बनाना है, पर उसके लिए मुझे एक जीन्स चाहिए था। तो वेद के मैंने पुराने 2 जीन्स निकाले और वो शॉर्ट हो रहे हैं उसके, वो उसने बहुत पहना नहीं है, उसको आ नहीं रहे हैं, तो उसमें से मैं एक पर्स भी बनाऊंगी, साइड पर्स है वो। और जो मेरा दूसरा है ना, मैं दिखाती हूँ अभी, डालते हैं ना तो गंदा ही हो जाता है, पता नहीं क्यों, लाइट कलर है ना इसलिए। मैं दिखाती हूँ अभी, एक पर्स भी स्टिच करना है और रिमोट कवर भी मुझे दूसरा स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता है। देखो बहुत ही अच्छा बन गया है, अभी मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। और पर्स दिखाती हूँ मैं, और देखो ये वाला पर्स है, तो ये बहुत ही गंदा दिख रहा है यहाँ से। इसको मैंने बहुत साल यूज़ किया है, अभी इससे मन भर गया है मेरा, तो मैं नया बनाऊँगी। और ये जो कड़ी है ना, बहुत ही अच्छी है, तो इसको तो मैं रखूँगी। और ये भी देखो पूरा सेट ही है। और नई कड़ी मुझे लेनी होगी, तो यहाँ पर मिलता है कि नहीं ये भी पता नहीं है, तो मैंने पुराने पर्स में से डाला था इसमें, इसको निकल के मैं फिर से दूसरे में डाल दूँगी। तो ये अब अच्छा नहीं लग रहा है और बार बार गंदा हो जाता है, तो ये निकाल दूँगी मैं। देखो ये कपड़ा निकाला है मैंने, ब्लैक ब्लैक ही है। और यहाँ पर बटन निकल दिया है, ये वाला ऐसा है, पर मैंने उल्टा करके लगाया था इसको, तो इसमें मुझे बटन में बनाऊंगी फिर से, तो धागे से स्टिच करना पड़ेगा। तो फटाफट बनाकर दिखाती हूँ। और उसके बाद ये जीन्स है मैंने निकाले अभी, 2 है वेद के जीन्स ये वाले। और इसने वेद ने बहुत पहने नहीं हैं, और वेद के 2 ये पैंट मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है ना, तो फिर मेरे पास जीन्स नहीं होते हैं, इसलिए रख दिया है मैंने। और कौशिक के पैंट मैंने दे दिए हैं यहाँ पर, बाढ़ पीड़ित लोगों थे उसको, तो ये पैंट में से मैं पर्स बनाऊँगी और कवर भी बना दूँगी शायद। और ये है लाइट, तो मुझे इसमें बनाना है अभी अभी, यानी कि मैं सोच रही हूँ अभी कि कैसा पैटर्न बनाऊँगी, उसके बाद करूँगी। दिया है ये वाला, और ये सारे हो गए हैं, ये सारे तो ख़राब नहीं थे, पर ये फट गया था। कुर्ता मेरा नया ही है, बहुत पहना ही नहीं था, तो चल
और मैं पर्स की डिज़ाइन देख लेती हूँ और फिर कटिंग करूँगी। तो पहले डिज़ाइन देखनी पड़ेगी और कुछ डिफरेंट करना है, तो चलो पहले देख लेती हूँ। और मैं देखती हूँ प्रिंटेड टैब आती है ना, उसमें वहाँ से बहुत ही सारी नई वेराइटी मिलती है हमें। जो प्रिंटेड टैब है ना, उसमें मैं सारी डिज़ाइन देखती हूँ। कुछ भी मुझे बनाना हो ना, तो मैं उसमें से देखती हूँ, क्योंकि बहुत ही वेराइटी होती है उसमें। चाहे कुर्ती हो गई, पर्स हो गए, कुछ भी हो, बहुत ही अच्छी ऐप है। मैं दिखा दूँगी यहाँ पर फ़ोटो। और अभी मुझे रोटी का आटा लगाना है, और कल शाम को बनाई थी हमने पनीर भुर्जी। खाने का बहुत ही प्रसाद नीचे मिलता है, तो प्रसाद खाकर ही पेट भर जाता है, तो इसलिए सब्ज़ी भी मेरी बच गई है। ये देखो, दिखाती हूँ बैक कैमरे से, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मेरे और वेद के लिए हो जाएगी ये। और अभी मैं आटा लगा कर रोटियाँ बना लेती हूँ, और बचे हैं कड़ी में 11:30। और मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ साथ साथ में, तो इसलिए चलो ये करती हूँ। गर्म गर्म हो गया दूध की, बर्तन गर्म है इसलिए। पनीर भुर्जी इतनी बची है, तो वेद को और मुझे हो जाएगा। तो अभी मैं बनाने नहीं वाली हूँ सब्ज़ी, और रोटियाँ बना लेती हूँ। आटा मैंने लगा लिया है, तो इसको सेट होने के लिए रख दूँगी आटा को।